नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी एग्रीकल्चर सर्विस 2024 की, जो आप लोगों का कृषि विभाग का एग्जाम है एसटीए और आप लोगों का दोस्तों यहां पर डीएचओ। तो 18 अगस्त 2024 को जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई है, इस प्रारंभिक परीक्षा में 1 से लेकर 120 तक सवाल है, 1 से लेकर 40 तक जीएस के क्वेश्चन है, 41 से 120 तक 80 सवाल ये आपके एग्रीकल्चर से हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कंप्लीट पेपर का एनालिसिस आप सभी को मिलने वाला है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है, दिख रहा है आपको, एक मिनट रिफ्रेश कर लें। यहां पर देखो वॉइस परफेक्ट आ रही है, आवाज क्लियर है, एक बार सभी लोग कमेंट में यस बोल देंगे। क्या दोस्तों आपको आवाज आ रही है? ठीक है, पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जलवायु के आधार पर केले को आपका उष्ण कटिबंधीय फल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सही जवाब क्या होगा आपका? उष्ण कटिबंधीय फल के रूप में केले को वर्गीकृत किया जाता है। वॉइस क्लियर है, एक बार सब लोग चेक करके बता देंगे मुझे। सवाल नंबर 42 देखिए, कितने आकार के कण को मृदा कोलाइड माना जाता है। कितने आकार के कण को मृदा कोलाइड माना जाता है? तो ये होगा आपका 0.001 मिलीमीटर से कम। फिर देखिए आपका 43 क्वेश्चन, सहकारी समिति अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया था। सहकारी समिति अधिनियम इसको पारित किया गया आपका 1912 में। फिर देखिए आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक खनिज का उदाहरण है। तो प्राथमिक खनिज का उदाहरण माइका है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्राथमिक खनिज का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे मित्रों आपका सही जवाब क्या होगा? माइका होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। फिर देखिए 45 इंपॉर्टेंट है सबके लिए, अभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज सभी जितने भी हमारे साथ में ऑफिसर रैंक के जुड़े हुए हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें एंड अपनी क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी ऑफिसर्स फ्रेंड के साथ। निम्न में से कौन सा बोल्डो मिश्रण के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है, बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड चूना। इसका मतलब ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। शॉर्ट क्यून वेलकम है आपका। 46 ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान एवं वर्ष में स्थापित किया गया। ये किया गया आपका देहरादून 1975 में। फिर देखिए 47 नैनो डीएपी में क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो बताइए। इसमें आपका रेशियो होता है 8:16, 8/16 होगा। सभी से निवेदन है कि प्लीज माय डियर, आपकी क्लास लाइव है, अभी हम भी लाइव हैं, और जो भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं लाइव लाइव आ जाइए, अगर कोई भी डाउट्स होगा तो अभी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, अभी हम लोग लाइव चल रहे हैं, आप लोग भी लाइव जुड़ जाइए जल्दी से। ब्यूटीफुल गार्डन ये किताब लिखी है किसने? ब्यूटीफुल गार्डन किताब लिखी है एमएस रंधावा ने, एमएस रंधावा होगा। राम राम सालू जी। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगिता का प्रकार नहीं है। देखो समय उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, लेकिन प्रक्षेत्र उपयोगिता ए वाला आपका गलत है, तो ए वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। 50 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सूत्र क्रमी द्वारा
होने वाला गेहूं की बीमारी है, तो सूत्र कृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी कौन सी है? ये सबसे मुश्किल सवाल है, इसका किसी को पता है तो बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है? गेहूं में आपका ये जो रोग है इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर हेट्रोडेरा एवेनी, ठीक है ना। तो नोट करिएगा आप लोग, सूत्र कृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी जो है ये आपकी है हेट्रोडेरा, है ना। ये कृमि जो आपका सूत्र कृमि से होता है, याद रखेंगे। चलिए फिलहाल आप देख के बताने यहां पर है ना, इसका आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 51, मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है। मृदा के भौतिक वातावरण में आपका सम्मिलित नहीं है, तो 51 क्वेश्चन की बात करेंगे। मृदा विद्युत चालकता, आपका सही जवाब क्या होगा? मृदा विद्युत चालकता आपका राइट आंसर होगा। 52 नंबर देखिए आपका क्या दिया गया है। 85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए आपका टेम्परेचर कितना रहता है? इसका टेम्परेचर आपका है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। राम राम श्रवण जी, चालू नमक सभी का मोस्ट वेलकम है। 10 से 15% सेल्सियस होगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर देखिए, धान का संकर बीज, राम राम, धान का संकर बीज प्राप्त करने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इस तकनीक का नाम है कोशिका द्रव्य अनुवांशिकीय नर बंध्यता, कोशिका द्रव्य अनुवांशिकीय नर बंध्यता। फिर देखिए आपका 54 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। बहुत बढ़िया श्रवण, शॉर्ट्स क्यून, और कोई नहीं शालू जी। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन है? भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक है एम निकोलसन। सही जवाब क्या होगा? एफ निकोलसन होगा। प्लीज क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। 56, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, ये पॉइंट मुझे रॉन्ग लग रहा है ना। चलिए 57 देखिए आपको क्या दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला पॉइंट अल्प अवधि दे रखा है, तो आपका आंसर होगा केवल पहला होगा। सही जवाब क्या है? केवल पहला है। 58, मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या कितनी होती है? मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या 6 होती है। सही जवाब आपका 6 होगा। गुड इवनिंग पवन जी, वेरी गुड इवनिंग हर हर महादेव। 59 नंबर, 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मक्का के पौधे की संख्या की गणना कीजिए। इसे 60 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के अंतर पे बोया जाता है, तो आपका आंसर होगा 25,000 पौध होगा, ठीक है। आपको क्षेत्रफल पता है, ये भी आपको गिवन है यहां पर, तो आंसर 25,000 समथिंग आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? मृदा वनस्पति नहीं है, मोल्स, मोल्स मृदा वनस्पति नहीं है, मोल्स नहीं होगा। बहुत बढ़िया नमन जी। अगला देखिए 61 नंबर क्या है। बैगनी धब्बा किस सब्जी की फसल का एक कवक जनित रोग है? ये दोस्तों बैगनी धब्बा आपका प्याज में होता है। आपने देखा होगा प्याज जब सड़ने वाली होती है तो प्याज में बैगनी रंग का एक धब्बा पड़ जाता है, ठीक है ना, बहुत बुरी बदबू आती है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्याज हो जाएगा।
क्लियर है। वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी क्लास को शेयर करेंगे और मेरे प्यारे मित्रों अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया आपको। 62 नंबर है, पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो क्या बोलते हैं। देखो तो पानी के बहाव से जो मिट्टी आती है उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, एलुवियल, इसको सॉइल बोलते हैं, एलुवियम सॉइल बोलते हैं। 40,000 होगा कैसे, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां पर सवाल आपको दे रखा है 60,000 वर्ग मीटर आपको दे रखा है, ठीक है, और यदि इसे 60 × 25 सेंटीमीटर के अंतर पे बोया जाता है तो कितने पौधे आपके होंगे, बताइए कितने आपके पौधे यहां पर बनेंगे। वर्ग मीटर है, एक मीटर में आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका 100 × 100 कॉल लग जाएगा क्योंकि वर्ग मीटर है, तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 60 × आपको 25 दे रखा है ना, इस अंतर से आप लोग जो है बो रहे हो, हाँ ये 6,000 वर्ग मीटर है, फोकस करना मेरे दोस्त। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर 60 से काटा इसको, यहां पर एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 × 6 = 100 हो गया, 25 से काटा, 25 × 100 हो गया, हाँ 40,000 आ रहा सॉल्व करने पर, इसको देख लेने यहां पर 40,000 हो जाएगा, है ना, अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो इतनी वैल्यू आपकी बचेगी। चलिए ठीक है, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है ट्रिटिकल, ट्रिटिकल ये किसके बीच का संकरण है। अच्छा ट्रिटिकल तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है, याद होगा आपको, चलो बताओ ट्रिटिकल की बात करेंगे, यही होता है लाइव से, लाइव क्लास कराने का फायदा यही है, सारे डाउट्स क्लास में क्लियर हो जाते हैं, वरना रिकॉर्ड होती है तो मजा नहीं आता फिर। आंसर है गेहूं इंटू राई, सही जवाब क्या आपका, गेहूं इंटू राई होगा। कुसु गुड इवनिंग, श्रवण नमक, अगला देखिए सवाल 64 है, निम्न युग्मों में से फलों की प्रजातियों के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जैसे केला रेड लेडी हो गया, आम बॉम्बे ग्रीन, पपीता आर्का सूर्य, आमला फ्रांसिस, तो केले वाला प्रॉब्लम जो दे रखा प्रजाति रेड लेडी, ये केले के नहीं है, ठीक है। चलिए 65 देखिए, मृदा संरक्षण कार्यक्रम में, राधे राधे मुक्कू अंजलि, मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समोच्च मेड़बंदी का काम उन भूमि पर किया जाता है जहां पर ढलान कितनी होती है, ढलान होती है आपकी 2 से 6% अप्रोक्स होती है, फिर एक तरफ प्रजाति है एक तरफ समष्टि है, इनको मिलाइए, नीचे आपके विकल्प है। चलिए इसको देख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, एक बार ये आपका क्वेश्चन डाउट में है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत किसका पाया जाता है, ह्यूमस, तो दोस्तों ह्यूमस में सबसे ज्यादा आपका कार्बन पाया जाता है, बहुत बढ़िया नरेंद्र देवेंद्र, क्या बात है नरेंद्र देवेंद्र, नेहा गौतम, ह्यूमस में सबसे ज्यादा आपका कार्बन होता है। अम्मू शर्मा जी, हर हर महादेव, सब लोग लाइक करेंगे शेयर करेंगे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जैसे मसूर का एमएसपी 2023-24 में 6425 है, उड़द का सही है, मूंग वाला गलत दे रखा है, मूंग का आपको गलत दे रखा है। चलिए नाफेड, तो दोस्तों नाफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो नाफेड की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर की गई थी, सही है। गिल्लू राम राम मेरे भाई, नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई, सही है।
तो आपका क्या होगा, सही जवाब बी होगा। सही जवाब क्या होगा, गिल्लू बी वाला होगा। सवाल 70 देखो, एस टी सी आर, एस टी सी आर अवधारणा को यह प्रतिपादित किया किसने, ठीक है बताइए, राम मूर्ति ने। सही जवाब क्या होगा आपका, राम मूर्ति होगा। सर मैं भी आपको पेपर भेजना चाहती हूँ, कैसे भेजूं? जावित्री देवी आप कौन सा पेपर भेजेंगे मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। 71 क्वेश्चन देखो क्या है आपका, सुनहरा पीला रंग, इंपॉर्टेंट पेपर है आपका, सुनहरा पीला रंग का टैग ये किस वर्ग के बीच में प्रयोग किया जाता है, बताइए नरेंद्र, नेहा, देवेंद्र, सुनहरा पीला रंग का टैग ये किस वर्ग में प्रयोग किया जाता है, प्रजनक बीज में किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, प्रजनक बीज होगा। तभी से मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, ठीक, लाइक करें शेयर करें। अगला देखिए आपका सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, हैचा होगा, एजोला जो दे रखा है मेरे ख्याल से, है ना, तने पर गांठ, तना ही का आपका ढांचा होगा, तो ये आपका पॉइंट आपका गलत दे रखा है। चलिए यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बता दो, कितना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो दोस्तों आप सभी मुझे बताएंगे यूरोपियन मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम बताइए जल्दी से, शेयर करते रहिए, लाइक करिए और अपनी क्लास को यहां पर सभी लोग सपोर्ट करेंगे, है ना दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एपिस मेलिफेरा। सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब होगा एपिस मेलिफेरा होगा, तो इसको सटीक करिए, आपका सही जवाब है एपिस मेलिफेरा, परम सत्य जवाब होगा। नेक्स्ट वन 74 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फिंगर मैलेट का वैज्ञानिक नाम है, किसको किसको पता है, नेहू, गौतम, अम्मू, धीरेन्द्र, ग्रीस भाई। 74 क्वेश्चन होगा, एल्यूसिन कोराकाना, ये पहली बार आप सवाल पढ़ रहे हो, इसका नाम है एल्यूसिन कोराकाना। फिर देखिए 75, पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया, पौधों में, है ना, पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया, ये बताया था एडोल्फ मेयर ने, एडोल्फ मेयर होगा आपका राइट आंसर। सेलेक्टेड सवाल है आपके। फिर देखिए इकाइनोक्लियोआ फ्रमेंटेसिया वैज्ञानिक नाम किसका है, अच्छा ये साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। चलिए बताइए दोस्तों यहां पर क्या होगा, झंगोरा का है, ठीक ना, झंगोरा का यह वैज्ञानिक नाम है इकाइनोक्लियोआ, ठीक ना, फ्रमेंटेशिया। देख रहे हो आप लोग साइंस, एग्रीकल्चर साइंस के क्वेश्चन देखो कैसे पूछ रहा है पेपर में, लेवल देखिए क्या लेवल करा रहा हूं। आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त शंकर किस्म है, आम्रपाली, आम्रपाली हो जाएगा दशहरी के साथ नीलम को मिला दिया, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका कितने परसेंट होता है, देवेंद्र, पवन, कुसुम, मुकेश, इसको सोहा करें, बहुत बढ़िया, 41% समथिंग होता है, कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका 41% होती है। यस चौधरी जी, मिस्टर चौधरी, मजा आ रहा है। अगला देखिए क्या है, इनहेरिटेंस के समय, उत्तराधिकार की बात हो रही है, इनहेरिटेंस के समय दो अथवा दो से अधिक जीन के एक साथ स्थायित्व बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इस प्रवृत्ति को कहते हैं दोस्तों लिंकेज। सही जवाब क्या होगा आपका, लिंकेज होगा। फिर आपको याद होगा 80 नंबर देखिए, पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यह आपका कब स्थापित हुआ था, गिरीश, गिल्लू, नम्मू, मिस्टर चौधरी, अरुण, बताइए, पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यह आपका स्थापित हुआ था कब, नोट कर लीजिएगा 1974 होगा आपका सटीक उत्तर है। फिर देखिए क्या है,
81 पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसको दोस्तों किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2001 में। जितने भी एक्ट हैं एक बार पढ़ लीजिएगा। आरुषि जी गुड इवनिंग। अब देखिए आई सी ए आर खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, ये कहां पर स्थित है? ये आपका दोस्तों कहां पर है? जबलपुर में है, जबलपुर में है। आइए बब्बर शेर, चना जो खाए चना रहे बना, चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है? चने में दोस्तों क्या होता है? चने में पौधे के ऊपरी भाग की कटाई होती है। दोस्तों चने में क्या होता है? चने में पौधे के ऊपरी भाग की कटाई होती है। हर हर महादेव गिल्लू जी, अच्छा गिल्लू। अगला देखो क्या 84, सरसों की आरा मक्खी ये प्यूपेशन करती है, किसमें करती है बताओ? सरसों की एक मक्खी होती है आरा मक्खी, ये प्यूपेशन करती है तने में, मृदा में, पत्तियों में, ये करती पत्ती में करती है। सही जवाब क्या होगा? पत्ती होगा। नमन मुकेश बब्बर शेर, अब बताओ विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती वो कहलाती है क्या? मुकु राजा धीरेन्द्र आरुषि, 85 का उत्तर होगा हमारा पेडोलॉजी, क्योंकि मिट्टी वाला जो वगैरह चीजें हैं तो मिट्टी आपका पेडोलॉजी हो जाएगा। नम्मू क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, नम्मू लेवल बढ़िया है, तुमको स्ट्रॉन्ग बना देंगे बिल्कुल। सारे पेपर कराऊंगा मैं तुमको, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आपके एग्जाम पेपर हुए हैं, और अगर मुझे इंपॉर्टेंट पेपर लगेगा अपने बच्चों के लिए मैं सब कराऊंगा। फिर ये देखो परिवर्तनीय लागत को क्या कहा जाता है? परिवर्तनीय लागत को क्या कहते हैं? मुख्य लागत कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया था, 17-18 को हुआ था। जावित्री जा भेज दीजिएगा, हमारा टेलीग्राम अकाउंट की आईडी है BSA शिवदीप, यहां भेजोगे आपका पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। रंग राजन समिति, बोलिए रंग राजन समिति, इनका संबंध है चीन उद्योग से, चीन उद्योग से, पत्ता साफ कर देंगे। नम्मू गिल्लू बेटा इग्नोर मत करो। अच्छा ये देखो 88 नंबर, कपास की पूर्ण कुंचन बीमारी ये किसके द्वारा फैलती है या ट्रांसफर होती है? कपास की मुश्किल लग रहा है, क्या होगा इसका? सफेद मक्खी के द्वारा होती है कपास वाली बीमारी आपकी, सफेद मक्खी के द्वारा जो है इसका नाम है पर्ण कुंचन बीमारी। इसका नाम क्या है? पर्ण कुंचन बीमारी, ठीक है। मुकु सिंगिज किंग बेटा सिंगू, क्या नाम है? नीतू, पढ़ाई पर फोकस करो, बातें मत करो, ठीक है। 89 क्वेश्चन, मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता आपका क्या होगा? बहुत बढ़िया लेवल है, कोशिका जल होगा। सही जवाब क्या है? कोशिका जल, वेरी गुड युविका सरोजीत। अच्छा जंगली जई होती है, जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोगों ने कई तरीके के तो पढ़े होंगे, अमन जी राम राम जय श्री राम, अमन शर्मा। चलिए 90 नंबर क्या होगा? यह है अवेना फचुआ। जंगली जई जो है जंगली जई, इसका साइंटिफिक नेम होता है या बॉटनिकल नेम पढ़ लो, अवेना फचुआ। 91 क्वेश्चन, प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यस वेल डन। टमाटर का दे रखा है 50 मीटर, जो कि रॉन्ग है क्योंकि नई वाला पूछ रहा है, ठीक है। वेरी गुड युविका सरोजीत धीरेन्द्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटर सेड और शहरी विकास के लिए किया जाता है? नीतू जी पढ़िए, बाय बोलने की थोड़ी आवश्यकता, मैं कह रहा हूं बातें ना करो, यहां आराम से पढ़े करो बच्चे। तो इतनी बात अगर हमारी टीचर की बात बुरी लगेगी तो क्या जीवन में कामयाब हो गया आप लोग, क्या ही कर पाओगे मेरे बच्चे? अगर इतनी सी बात बुरी लग जाएगी सोचो, जालिम दुनिया क्या क्या कहती है। हम तो आपके भलाई के लिए कहते हैं। सामाजिक पर्यवेक्षण होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो नींबू मशरूम अंगूर अनार इनको मिलाइए, कहां का मिलेगा? नींबू फेमस नागपुर में, मशरूम सोलन, अंगूर पुणे में,
अनार आपका सोलापुर में, तो आंसर क्या होगा 1342, 1342 बिल्कुल राइट है, सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा। कोई बात नहीं बेटा, आप जा रहे हो तो जाओ, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन है बर्तन धुलना, आटा मारना, रोटी बनाना, गालियां सुनना, सबके लिए बार बार चाय बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत मेहनत का काम है। और एक तरफ है कि अपना पढ़ लिख गए, मेहनत कर ली और उसके बाद ये काम पे किसी को लगा दिया, किसी को रोजगार तुमने दे दिया, तभी तो तुम किसी दूसरे को रोजगार दे पाओगे जब तुम्हारे पास रोजगार होगा, जब तुम अधिकारी होगे, ऑफिसर होगे, बढ़िया रैंक में होगे। देखिए, रेशम के कीटों को उनके मेजबान पौधों से मिलाएगा, चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा, गिल्लू ठीक है ना, कुसू, बताइए दोस्तों यहां पर क्या होगा, 94 नंबर आंसर आपका होगा ए वाला है, तहतूत रेशम कीट मोरस स्पेसीज हो जाएगा, तसर रेशम कीट रिसिनस कम्युनिस, फिर आपका मूंगा टर्मिनेलिया अर्जना, और एरी रेशम कीट आपका हो जाएगा, नहीं नहीं गलत हो गया आपका, पहले का फोर्थ हो गया, बी वाले का सेकंड होगा, भाई मेरे को गड़बड़ लग रहा, तसर हो जाएगा टर्मिनेलिया, फिर आपका जरा कम मूंगा मैचिलस एरी रिसिनस, तो आंसर ए वाला राइट। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, संपूर्ण भारत में, वेरी इंपॉर्टेंट, संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम ये कब लागू किया गया, संपूर्ण भारत में दोस्तों बीज अधिनियम ये कब लागू किया गया, में आपका आंसर होगा 1969 होगा, रट्टा मान लो। अब देखो आपका अल्फांसो, फजली जरदालू, लक्ष्मण भोग और लंगड़ा। अच्छा, अल्फांसो जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का आम होता है, महाराष्ट्र में मिलेगा, एक तो पहले वाले का, दूसरा डी वाले में है, फिर तो लंगड़ा, तो अपने लंगड़ा दोस्तों यूपी में है, इस समय यूपी में लंगड़ा आम खूब आ रहा है, यूपी में लंगड़ा आम चल रहा है, बी वाले का वन है, फजली जरदालू ये बिहार का है, लक्ष्मण भोग गुजरात का है, 2143 ऑप्शन डी होगा। फिर देखिए क्या है, पादप प्रजनन में कोलिवसिन का क्या उपयोग है, पादप प्रजनन में कोलिवसिन का क्या उपयोग है, 97 तो बहुगुणिता उत्पन्न करना, आंसर आएगा, अभी आ रही जीके भी आ रही है, टीडीएस भाई अभी जीके भी आ रही है, और आप ऐसे ही पढ़ाते जाओ आपकी काजू कतली पक्की है, हम भी लड्डू पेड़े और ये पूरे 250 ग्राम के डिब्बे लेंगे आप लोगों से जिस दिन आपने सिलेक्शन ले लिया, ठीक है ना। 98 दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, इसको बोलते हैं कैच क्रॉप, अल्प अवधि फसल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 99 वंशानुक्रम के नियमों को संबंधित वैज्ञानिक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, यह भी मैंने आपको यूपीपी के पेपर में पढ़ाया था कि वंशानुक्रम के नियम से दोस्तों अनुवांशिकता के नियम से संबंधित हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल है, बहुत बढ़िया, बब्बर शेर, एक किलो दोगे ठीक, एक किलो देना, लेकिन पहले पढ़ लो अच्छे से, बस मेरा पता है क्या मानना है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं आप कुछ मिस मत करो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो युगांडा के जंगलों की पुलिस हो, चाहे वो रेंजर पुलिस हो, वो तुम्हें पढ़ना हो, फिर चाहे वो ऑफिसर रैंक का पेपर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, फिर वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो आपका, ओपीएससी हो, या फिर आपका यूपीपीसीएस का हो। अब देखो किस कारक का प्रयोग कार्बनिक कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ये है 1.724। अब बताओ 101 निम्नलिखित में से कौन संयुग्म सही सुमेलित नहीं है, ऊषा शीतल और एक हीरा दे रखा है, यह बात गलत है, सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। अब देखो फसल बीज दर बताओ क्या है, चना गेहूं तुरैया तोरिया सरसों मोटे दाने वाली मटर, तुरैया सरसों जो है 14 से 16
रेणा केजी है, रेणा किलो पर हेक्टेयर, तुरैया सरसों जो है आपका 14 से 16 किलो पर हेक्टेयर, ये पॉइंट आपका गलत लग रहा है, बाकी तो सही है। फिर आपके बीजाणु उनकी अवस्था देखो, ये बहुत मुश्किल सवाल है आपका, इसका कैसे बताओगे, ये मुश्किल है, ये आप लोग दोस्तों बताना इसका क्या होगा, इसका उत्तर देना भी, आंसर किसे पता चलेगा क्या है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बुक्स में क्वेश्चन नहीं मिलते ऐसे सवाल जो मैं करा रहा हूं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद के मुताबिक उथली जुताई को किस गहराई पर वर्गीकृत किया जाता है, 5 से 6 सेंटीमीटर, भाई जवाब क्या होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर, तो बी होगा स्वाहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर 105, तो फसल और पीड़क का सही सुमेलित कीजिए, तो आम और मिलीबग, ये पॉइंट आपका सही है, ऑप्शन सी वाला होगा। 106, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है, वर्ल्ड बैंक, नोट करिएगा वर्ल्ड बैंक होगा। शाबाश देवेंद्र, बब्बर शेर, शिवांगी, पूजा, अमन, पवन, नाम सेम है तुम्हारा, क्या अमन पवन है ना। पादप आइडियोटाइप प्रतिरूप की अवधारणा को प्रतिपादित किया किसने, आंसर है सी एम डोनाल्ड, सही जवाब क्या होगा, सी एम डोनाल्ड होगा। रविता, आज रमिता गायब है तो सुम दिव्या, फिर देखिए 108 नंबर, निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग दक्षता होती है, बताइए कौन सी विधि है मेरे भाई, ये कौन सी विधि है जिसमें बहुत हाईली जल उपयोग की दक्षता होती है, बूंद बूंद जिसको बोलते हैं ड्रिप, टपक सिंचाई, टपक, फिर देखिए 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तितलियों में, अच्छा तितलियों को लगाना, तितली को दोस्तों यहां पर एक क्रम में लगाना है ना, तितली को दोस्तों यहां पर आपको एक क्रम में दोस्तों यहां पर लगाना है, यहां पर ये जो दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए बटरफ्लाई जो सुंदर सी है ना, सुंदर सी एक बटरफ्लाई है, इसका क्रम होता है सबसे पहले इमैगो, नंबर 1 पे इमैगो, इमैगो के बाद लार्वा, लार्वा फिर बनता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद रूपांतरण होकर तितली बनती है, तो ये तितली बनने का क्रम है, तो तितली बनने का क्रम पूछा है 3, 2, 4, 1, राइट आंसर आपका क्या होगा, 3, 2, 4, 1 होगा। कुसु जाओ मत, ध्यान से पढ़ो, अब मैंने फल लिए हैं, ये फल किस कुल में आते हैं, ये फल दोस्तों किस कुल में आते हैं देखिए, आंवला, शरीफा, अंजीर, बेल, शरीफा आता है एनोनेसी कुल में, एनोनेसी में आता शरीफा, तो बी वाले का फर्स्ट होगा, दो जगह रखा बी वाले का फर्स्ट, बेल आता है रुटेसी में, तो चौथा हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, एक आर टू आंवले का हो जाएगा U4BAC और अंजीर का होगा मोरेसी, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। देखो गिल्लू से मैं इतना कहना चाहूंगा, गिल्लू बेटे उनको जो पढ़ा रहा हूं ना, कि ना केवल तुम्हारा UPP RRB UPP SSC CGL MTS UPPCS एंड ऑल ओवर एग्जाम, ऑल इंडिया लेवल एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता वही हूं जो लेटेस्ट पेपर में आता है, हम पढ़ाते वही है जो पेपर में आता है, घास कूड़ा तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको सीधे मक्खन मलाई पढ़ाते हैं, मक्खन मलाई आज के पेपर का सवाल करा रहा हूं। एक खनिज है जो कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का स्रोत है, अगर आप मेरे अपने हैं दोस्तों तो आराम से पढ़िए और चिंता भूल जाइए, पढ़ाऊंगा वही जो तुम सबके एग्जाम में आएगा। 111 का क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, वार्तालाप कम करेंगे, आंसर है डोलोमाइट है, फिर देखिए पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP 1957 में किस फसल में शुरू की गई, मक्का हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या है, मक्का है। फिर देखिए 113, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को
किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया? बहुत बढ़िया, आपका आंसर होगा फोर्ड फाउंडेशन सीडीपी, फोर्ड फाउंडेशन। नेक्स्ट प्लीज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? बासमती चावल भैया कहां मिलेगा? यूपी में बहुत चलता है, यूपी में जाओ बासमती चावल खाओ। अगला देखिए 115, कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल के द्वारा, आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल के द्वारा डेवलप किया गया। 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलन हार्मोन है? मूलन हार्मोन है दोस्तों, आंसर आएगा आपका आईवीए होगा, ठीक है। 77 नंबर का बच्चा कह रहा है सर जी गलत हो गया, एक बार क्वेश्चन नंबर 77 देखो सही क्या नहीं किया। तब से दोस्तों निवेदन है कि लाइक करते चलिए, शेयर करिए और दोस्तों अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करके चलिए। चलो आने वाला सवाल नंबर 77 जो है इसका उत्तर सही कर लो, गलत हो गया, इसका आंसर बी होगा। आम्रपाली क्रॉसिंग से प्राप्त संकर क्वालिटी जो है वो नीलम के साथ लंगड़ा मिलता है, ठीक है ना, नीलम के साथ लंगड़ा मिलता है। दशहरी आम का स्वाद आ गया था यार, तो दशहरी आम आना मार्केट में बंद हो गया। चलिए अगला देखिए क्या आपका, सवाल 117 देखिए, 117 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नील हरिश सहवाल, जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, सही जवाब का ए होगा। फिर गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री है, गुणसूत्रों में तो आपका डीएनए होता है, सही जवाब डीएनए होगा। फिर देखिए 119, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्ध शुष्क की स्थापना ये कब की गई थी? बहुत डीपली है, 1972 है, ये देख लीजिए 1972 दो जगह दे रखा, इसको दोस्तों आप लोग चेक करके बताओ क्या होगा जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्ध शुष्क की स्थापना किस वर्ष हुई? इसको आप लोग को देखना है पर क्योंकि एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि क्या है, यहां 21 और 11 दे रखा है, यहां पर भी 1972 आपको गिवन है। चलिए खैर देखते हैं, यहां पर डाउट है इसमें तो, अमरूद के फल में शक्कर का रूप किस मात्रा में पाया जाता है? तो यहां पर देखो फलों में जो होता है फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज, अमरूद में से क्या होता है, अमरूद में दोस्तों आपका क्या होगा, ग्लूकोज होता है, क्या होता है ये बताओ। अमरूद के फल में शक्कर के रूप में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो दोस्तों अमरूद में सब कुछ होता है, सुक्रोज भी होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, लैक्टोज तो आपका दूध में पाया जाता है, लैक्टोज तो आपका दूध में पाया जाता है, हालांकि इसमें सबसे ज्यादा जो होता है ग्लूकोज होता है अमरूद में, अमरूद में सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है। तो ये थे आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, है ना। अब कुछ बच्चे यहां पर इसका फ्रक्टोज बोल देंगे, बट आंसर बी होगा, कुछ बच्चे इसका फ्रक्टोज बोलेंगे, यहां पर फ्रक्टोज होता फलों में, आई नो सब कुछ होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लेकिन यहां पूछ रहे अधिक मात्रा में छिक्कल के साथ में सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा इसमें ग्लूकोज होता है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं जीके पर, जीके में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके वो मैं बताता चल रहा हूं। चलिए सवाल देखिए पहला क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में बताया कि 2025 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी?
लाइक करेंगे सब लोग, शेयर करेंगे और अपनी क्लास को सपोर्ट करेंगे। पता ना आप लोग कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अभी 125 करोड़ यहाँ पर चिल्लाते हैं यहाँ पर, है ना। तो हो सकता है यहाँ पर ये आप लोगों का सी वाला पॉइंट हो, इसको एक बार चेक करना, मैं यहाँ पर डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, खैर ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया, यूपी का लोक नृत्य नहीं है ये तो मैंने लगातार यूपी की क्लास में कराया दोस्तों। यूपी का लोक नृत्य दोस्तों कौन सा नहीं है, फटाक से बताएंगे यहाँ पर। खैर इसको यहां पर करना 148 होगा, 148 मिलियन होगा। सही जवाब क्या है, 148 होगा, रबिता ने सही बताया, इसका आंसर 148 है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। फिर यूपी का दोस्तों आपका छऊ नहीं है, नौटंकी चरकुला कत्थक यूपी का है, छऊ यूपी का नहीं है। फिर देखिए आपका तीन नंबर, नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है, उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के मुताबिक घटते क्रम बताइए क्या होगा। रबड़ के मामले में केरल नंबर वन, तमिलनाडु नंबर टू, कर्नाटक नंबर तीन, तो आंसर आएगा बी वाला, है ना। और अंडमान निकोबार नंबर चार, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब यह सवाल मैंने जीके में कई बार पढ़ाया है, याद रखो, सभी से निवेदन है लाइक करेंगे शेयर करेंगे। जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन को व्यतीत किया था। चौथा सवाल का उत्तर क्या होगा, आंसर है मांडले जेल है, सही जवाब क्या आपका, मांडले जेल है। सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे और मेरे प्यारे मित्र अपनी क्लास को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। फिर देखिए सवाल नंबर पांच, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर दो से प्रारंभ होकर सभी लगातार अभाज्य संख्याओं से निरूपित किए जाए तो झांसी का मान कितना होगा। दोस्तों लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और प्यारे मित्रों सपोर्ट कीजिए। ये मुश्किल लग रहा, कैसे लगाओगे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर दो से प्रारंभ होकर, दो से प्रारंभ हो जाए और अभाज्य संख्या को निरूपित करें, ठीक है। बहुत मुश्किल सवाल कर दिया यहाँ पर, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं, मतलब ये है जैसे ए नंबर मान लो दो है, बी आपका प्राइम नंबर चल रहा अभाज्य, बी तीन हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, खैर दो तीन, फिर पांच, पांच के बाद सात, फिर ग्यारह, फिर तेरह, तेरह के बाद आपका अगला प्राइम नंबर सत्रह होता है, सत्रह उन्नीस इक्कीस बाईस तेईस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस उनतीस तीस इकतीस पच्चीस छत्तीस तैतीस, इस तरीके से जैसे जे है तो दोस्तों जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जे मेरा आया उनतीस नंबर पे आया जे, है ना, ठीक है। उनतीस आ रहा है, एच, एच मेरा 19 नंबर पे आ रहा है, ए मेरा दो नंबर पे आ रहा है, 29, 19, फिर दो आ गया, एन ये आगे देखो यहां पर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, 37 के बाद क्या आएगा हमारा 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, बावन त्रेपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ इकसठ तिरसठ चौसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ, ये देखो ये लिख दिया मैंने यहां पर। अब देखो यहां पर क्या करना है, दो तक लिख दिया था, ए तक, ए के लिए दो है, फिर देखो एन, एन का मान कितना दोस्तों यहां पर, एन का मान तैतालीस, तैतालीस हो गया, एस, एस का मान सड़सठ है और आई का मान आपका तेईस है। अब देखो कितना बन रहा है, तीन सात तीन दस तेरह, तेरह दो पंद्रह, पंद्रह और नौ पंद्रह पच्चीस, पच्चीस में कम किया चौबीस, चौबीस चौतीस, चौतीस में कम किया तैतीस, तीन बचा, तीन दो पांच छ, छ चार दस, दस छह सोलह दो अठारह, इन सबको जोड़ने पर दोस्तों मेरी वैल्यू 183 आएगी। तो अगर आपका आंसर 183 आ रहा, बिल्कुल राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों बढ़ते हैं यहां पर, अगला देखिए क्या है, अगला सवाल छठा नंबर देखो, किनके चुने हुए भाषणों को
एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया जाता है? तो छठे सवाल का आंसर होगा रामनाथ कोविंद होगा, सही जवाब है रामनाथ कोविंद है। सात नंबर, निम्नलिखित में से यूपी का कौन सा जनपद चार राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र जिला है जो चार राज्यों को टचिंग टचिंग करता है। सवाल नंबर आठ देखिए, वर्षा जल संचयन और इसके प्रिलर थे ना स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है? बोलिए, बुंदेलखंड होगा। सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड हो जाएगा। बिल्कुल गौतम भैया इंटेलिजेंट है भैया, तुम्हारी टक्कर थोड़ी ना ले सकते हैं। अमरेंद्र बाहुबली तुम लोग की टक्कर थोड़ी ना ले सकते हैं हम लोग। अच्छा यहां बताओ क्या सर, इसको देखो कैसे लगेगा। 15, 92, 31 क्या चल रहा है आपका? इसको दोस्तों कैसे लगाएं, कोई तरीका मुझे बता सकते हैं यहां पर क्या आखिर क्या तरीका लगेगा इसमें? 15, 25, 17 इसका लॉजिक दोस्तों मुझे बताना है यहां पर। ठीक, इसका आंसर मेरे हिसाब से 72 होना चाहिए। अब आप लोग लॉजिक जरूर बताना यहां पर। 72 होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्लीज, सूचना का अधिकार अधिनियम ये किस वर्ष आया? सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों ये कब आया? अगर आप 15 + 31 कर भी रहे हो ठीक है ना, तो लॉजिक बन कहा है। देखो 15 + 31 6, 5 + 6 और 3 = 46 और 46 के 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 × 12 = 4 × 9 = 92 ठीक है 92 बन गया। यहां देखा मैंने यहां पर 17 + 19 जोड़ दिया यहां पर तो 9 + 7 = 16 2 × 3 = 36 हो गया और 36 × 72 सही है। यही लॉजिक मैं भी सोच रहा लेकिन चलिए खैर। बाकी देखो 25, 26, 51, 51 × 102 तो आपका आंसर 72 ही होगा सही अपना। आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार 2005 में आया था, सही जवाब क्या होगा आपका? 2005 होगा। फिर देखिए आपका 111 नंबर, निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में आपका प्रारंभ किया गया? शाबाश, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, स्मार्ट पेमेंट कार्ड। आपका सही जवाब क्या होगा? स्मार्ट पेमेंट कार्ड होगा। आज बारिश तो हो रही है पर देखिए 12 नंबर, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रायोजन क्या है बताइए? व्यवसायिक में लाभ और सेवा प्रायोजन, तो सही जवाब का पूरक हो जाएगा, राइट आंसर आपका पूरक होगा। 13 नंबर देखिए, भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न द्वारा निर्धारित किया जाता है? 82 °30 पूर्वी देशांतर। तो नोट करिएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। पर देखिए आपको दे रखा है, अगर x + 1/(x²)a² है, x - 1/(x) अगर b है तो वैल्यू क्या होगी? देखिए अगर x - 1/(x) का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x² + 1/(x²) - 2 बचेगा। देखो यहां पर x - 1/(x) ये दे रखा, बी दे रखा, यानी कि यहां पर आपका b² आएगा और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? a² दे रखी है।
ए स्क्वायर अगर माइनस का रखा है टू दे रखा है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, अब ए स्क्वायर के फॉर्म बनाना है यहां पर, तो बी ए स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो बराबर बी स्क्वायर प्लस का टू हो जाएगा, क्योंकि टू इधर ले जाओगे तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस टू होगा, बी वाला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो यंशी, लव्यांशी और मिस्टर और कुसु, ऋषभ, बुग्गू, कीर्ति, आपका आंसर बी हो जाएगा। फिर आलू पौधे का कौन सा भाग होता है दोस्तों, यहां पर जल्दी बताइए, 15 नंबर, आलू पौधे का तना होता है, तो आलू क्या है, तना है। 16 नंबर देखो, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान कहां स्थित है, नम्मू, युब्बू, ना इच्छा, धारी चौहान, ऋषु, लव्यांशी। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान 16 नंबर का उत्तर दोस्तों क्या होगा आपका, नई दिल्ली में है, सही जवाब नई दिल्ली होगा। 17 नंबर देखिए, प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना दोस्तों कहां पर है, जल्दी दोस्तों बताइए, प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना मसूलीपट्टनम में है, सही जवाब दोस्तों क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा मसूलीपट्टनम हो जाएगा आपका, परम सत्य जवाब। फिर देखिए दोस्तों यहां पर सवाल 18 है, किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेगेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की गई, बोलिए, युबु, लिशु, इच्छा, विद्या, नेहा, रविता, तो आपका 18 नंबर का उत्तर क्या होगा, बुरा ना मानो रक्षाबंधन है ना, बुरा ना मानो रक्षाबंधन है। तो मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, अपनी क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इसका आप लोग देखना यहां पर क्या होगा, 19 पर आ जाओ, अगर किसी संख्या का मासा 16 है तो उसका लासा कभी क्या नहीं हो सकता, 16 × 96 हो सकता है, 16 × 160 हो सकता है, 16 × 112 हो सकता है ना, लेकिन एक 16 में कहीं नहीं आता, तो आंसर आपका क्या होगा, 148 आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब देखो आपका सवाल नंबर दोस्तों आपका 20 क्या होगा, आपका सवाल आपको दे रखा है, मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है, किडनी उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होती है, किडनी आपकी उत्सर्जन के लिए होती है, कुसु, नम्मू, मोहम्मद हसीन, अभी ये देखो 79, 24, 10 दे रखा है, तो 7, 9 + 16 = 4, 2 + 6 = 10, 8 + 2 = 10, 6 + 7 = 3 = 9, 5 = 14, 1 + 1 = 2, 14 + 2 = 12 ऐसे देखो यहां पर 8 + 7 = 15 और 3 + 1 = 4, 15 + 4 जाएगा तो 11 बचेगा, सही जवाब दोस्तों आपका क्या होगा, 11 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे, वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद होगा, फिर देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, सही जवाब क्या होगा, BN राव होगा। फिर देखिए आपका इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में आता है ना, देख पा रहे हो, ये सारे आपके एक्ट दे रखे, इनमें से एक आपका पेपर में आपके भी आएगा। चलिए अब सबसे पहला सवाल जो मेरा आपका दे रखा है आपके सामने है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये दोस्तों ये आपका 1972 है, यानी ए वाले का थर्ड होगा ये दे रखा, फिर आप आगे समझदार हो, बी वाले का वन, पर्यावरण 1986 में आया है ना, राष्ट्रीय हरित वाला, सी वाला फोर दे रखा है, NGT 2010 में आया, जैव विविधता 2002 में आया, सही जवाब डी होगा। अब आप दोस्तों मुझे बताइए, कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत है, यह आपका 110 में फैला हुआ हमारे यहां पर है ना,
इसमें आपका झरिया है, रानीगंज है, पश्चिम बोकारो है, आपका रामगढ़ है, दक्षिण है ना, दक्षिण कर्णापुरा है, उत्तरी कर्णापुरा है आपका, ओके, रानीगंज है, पश्चिम बोकारो है, पूर्वी बोकारो है, रामगढ़ है, तो ये सब आपके आते हैं। इन दोनों में से कोई एक बचा आपका, वो आपका हो सकता है। चलिए, तो इन दोनों में से आपको कोई एक हो जाएगा आपका, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यार यूपी में ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको, यूपी में औषधीय पार्क कहां बनने जा रहा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, कल के पेपर मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये आपका बनेगा दोस्तों कहां पर, बिल्कुल जल्दी बताइए। यूपी के हापुड़ जिले में आपका हर्बल पार्क बनेगा, कहां बनेगा आपका, हापुड़ जिले में बनेगा, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क कहां बनने जा रहा है, ये बनेगा आपका हापुड़ में बनेगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहां पर हापुड़ होगा। पर आपका ऑप्शन गिवन नहीं है। एक आपका वाराणसी में भी दोस्तों आपका है, वाराणसी से आप प्रयागराज निकाल सकते हैं आप, बाकी कोई ऑप्शन नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद तो लग नहीं रहा है ना। चलिए, नेक्स्ट दोस्तों, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दे रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को किसने प्रतिपादित किया, तो आपका उत्तर क्या होगा, टेंसले ने, ऑर्थर जॉन टेंसले होगा, वेरी गुड। लव्यांशी, ऋषु, भारती, रब्बू, गुल्लू, तो आंसर आएगा टेंसले होगा। तो ये देखो आपका क्या है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था, बताइए दोस्तों यहां पर, नई दिल्ली में G20 में वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया, अमरूद दोस्तों, कौन पौधा लगा, अमरूद का, अशोक, और कोई ऑप्शन आपके पास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। G20 समिट में भारत सरकार की ओर से कौन कौन से पौधे लगाए गए थे, उनमें आपका मेन आपका ये वाला है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग दोस्तों कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं आप लोगों को 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए, हाँ जी, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है, फिर देखो दिल्ली की वैल्यू आपको गिवन है, तो डी से आपका सी आ रहा है, 1 माइनस का कम किया, ई से आपका सी आ रहा है, 2 कम किया, एल से आई आ रहा है, 12 में 3 कम किया, एच 4 कम किया, 9 में 5, तो आपका 1 2 3 4 5 कम करो, तो बी से 1 कम करो तो ए आ जाएगा, 15 में 2 गया 13, फिर 13 में 3 गया 10 है ना, 3 4, अब बी है 26 लीटर होते हैं, और फिर 27 28 28 मान लो, 28 में 4 24 का मतलब एक्स हो जाएगा, फिर ए में मतलब 26 27 27 में 5 कम करो 22 पर आपका 22 पर V होगा,
और वाई 25, 25 में आप लोग कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 में आप लोग 6 का मतलब 19, 19 पर ऐसा जाएगा, तो एमजे एक्स वी एस ऑप्शन बी होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। क्लियर है। 32 में आपका आरबीआई होगा, बहुत बढ़िया। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है ना, और कौन करेगा इतना भी नहीं पता आपको। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है मेरे दोस्त, 1 रुपए का नोट जो है नॉट आरबीआई, भारत सरकार जारी करती है, बाकी सब नोट आरबीआई जारी करता है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट है ये भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय जारी करता है। ओके, और इस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, तो नोट करना भारत सरकार होगा। चलिए, आप मिलाओ मिलेट्स, पल्सेस, दालें, ग्राम, चना और चाय, प्रोटीन, रबी, ज्वार या पौधा करा। पल्सेस मतलब दाल होता है, दाल को मैं प्रोटीन से मिला दूंगा, अच्छा सब प्रोटीन है। मिलेट्स, मिलेट्स में आपका क्या क्या होता है, मिलेट्स यानी कि जो अनाज होते हैं आपके, इसमें आपके अनाज में, मिलेट्स मतलब अनाज, तो अनाज में आपका ज्वार बाजरा हो जाएगा, ज्वार और बाजरा भी तो मिलेट्स ही है, तो ए का तीसरा हो जाएगा, ये देखो सी का दूसरा, चना एक रवि की फसल है और चाय एक पौधाकरण है, तो डी वाला हो जाएगा। सही जवाब क्या आपका, ऑप्शन डी होगा। फिर देखिए, ये आपको क्रम दे रखा है, इसको क्रम लगाना है। चलिए अब देखो, हमारे यहां पर 36 नंबर देखो सीधे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई। 1772 में, 1772 में। फिर देखो, शिवाजी के अष्ट प्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था, शिवाजी के अष्ट प्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था, पेशवा। तो ये नियुक्त प्रथम पेशवा थे आपके, इनका नाम था पिंगले, मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले, ठीक है ना। पेशवा सबसे बड़ा पद होता था हमारा, पेशवा, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, है ना। प्रथम 10, इसका तो याद होना चाहिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत शायद 12.8 होता है, रट्टा मार, ये तो रट के बैठे हैं। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, अच्छा ना, प्रथम विषम भी दे रखा है, वैसे तो 12.8 होता है लेकिन विषम देकर गड़बड़ कर दी, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहां पर 10 का मतलब आपको पता है, यहां पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन 23 के बाद आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 होगा, 2 को नहीं लेना है, 2 हटा दो, तो यहां तक आप 128 जोड़ लेते आप लोग, है ना, 128 तक तो आपका ही जाता हूं, जोड़ते 2 कम कर दिया 126 हो गया, 29 जोड़ दिया, तो एक जोड़ बता रहा हूं आपको कितना हो जाएगा, तो 9 और 6, 15, 3, 2, 5, 155, दोस्तों आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को हटाकर जोड़ लीजिए, क्योंकि आपको विषम चाहिए, विषम, तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तब भी दोस्तों मेरी वैल्यू 10 अभाज्य संख्याओं की आ रही है, 1.27 आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज। दूध में कौन सा अम्ल होता है, और विषम का पूछेगा तो आपका 15.8 होता है, क्योंकि आपका 29 के बाद आपका 31 होगा, एक 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23, 29, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो मेरे दोस्त इसका नोट करो, 158 होगा, 15.8 होगा, सही है। चलो, दूध में तो पता ही लैक्टिक पाया जाता है, दूध में आपका क्या होता है मेरे दोस्त, दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। तभी से दोस्तों निवेदन है कि क्लास को लाइक करेंगे, अपनी क्लास को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दूध में आपका क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। और ये आज का अंतिम सवाल है, बाकी एग्रीकल्चर मैंने करा दी और जीएस के भी मैंने दोस्तों आपको सारे सवाल कंप्लीट करवाए, जीएस के भी सारे सवाल मैंने कंप्लीट करवाए। तो ये अंतिम सवाल है, एक आयत है आपको परिमाप चौवन दे रखा है, अगर भुजाओं को 7 और 4 मीटर कम करते हैं तो ये वर्ग बन जाता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा जुगाड़ लगाते हैं, अगर आप 64 मानते हो भुजा आपकी 8 आ जाएगी, 49 में भुजा 7 आएगी, 100 का मतलब भुजा आपकी 10 आ जाएगी। आप बताइए मुक्कू, मुकेश इलेक्ट्रीशियन प्लंबर भाई, सर मुझे, सर मैं किट्टू बोल रही हूं, ठीक है किट्टू जी आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर आपको नहीं, मुझे ये डाउट है, मैं पवन सिंह नहीं हूं, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है भैया, आप पवन हो है ना। चलिए 77 क्वेश्चन राइट था क्या, सर भी देख लेते हैं। हाँ यहां देखो क्या, अगर 7 मीटर कम करो तो 0 हो जाए, मतलब ये तो हो नहीं सकता, 6 और कम है, 10 मानो, अगर 10 मान के रखते हो तो परिमाप मतलब 2l + b, इसका मान 54, अगर आपने 10 मान लिया वर्ग का क्षेत्रफल, तो लंबाई हो जाएगी 17, चौड़ाई हो जाएगी 14। दोस्तों 7 4 11 और 2 और 1 3 31, 62 नहीं बनेगा, ये वाला काट दीजिए, हटाओ इसको। अगर आप 6 मानते हो 7 कम करने पर, तो 7 में कम करा दोस्तों, यहां पर 6 बच रहा है, तो 7 6 13, 6 4 10, 13 10 23, 23 2 3 2 6, ये भी नहीं होगा, आपका हटा दो इसको। अब 8 देखो, 8 और 7 15, 8 4 12 इंटू 2, तो 5 2 7, 5 2 7, 1 2 27, 27 2 54, इसका मतलब 8 होगा, ये होगा। तो दोस्तों अब आप देखो मेरी जुगाड़ मैंने कैसे लगाया, बाय ऑप्शन लगाया, 64 होगा मतलब कैसे, देखो मैंने लंबाई क्या मानी दोस्तों, यहां पर जैसे 8 है तो 8 और 7 15 लंबाई थी, एक आयत था इसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 4 12 चौड़ाई है। तो अगर आप परिमाप निकालोगे, परिमाप तो परिमाप कितना होगा, 2 लंबाई 15 + चौड़ाई 12, तो 2 × 15 = 12 कितना होगा, 5 2 7, 1 1 2 27, 27 2 54, तो देखो 54 मेरा बन गया। और अगर आप इन दोनों में 7 मीटर कम कर रहे हो तो 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, और 12 में आपका 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 2 64 हो जाएगा। चलिए तो कैसी लगी क्लास, अगर ये क्लास तुमको अच्छी लगी हो सब लोग मिलकर लाइक करना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से लंबा जी सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक, हमारे यहाँ क्लासेस आपकी जो है सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक सारी क्लास चलती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना बीएसए ट्रिकी क्लासेस चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 77 मैंने सही बताया था, लेकिन मैंने सोचा बच्चा यहां पर सही बता रहा होगा, क्योंकि सर कह रहे हो सर मैं बिल्कुल श्योर हूं, तो 77 नंबर वाला जो मैंने क्वेश्चन का उत्तर दिया ना, ये वाला इसको देख लेना, यहां पर मैंने इसका दिया था दशहरी के साथ नीलम दिया था, मैंने दिया था सी वाला, लेकिन बच्चे बता रहे थे यहां पर कि सर बी वाला होगा, तो इसको देख लेना आप लोग, ठीक है ना, तो सब लोग एक बार चेक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ख्याल रखें, जय हिंद, वंदे मातरम।